दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिसके चलते देश में इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो अब इसी विजन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अनवील कर दिया गया है। इस ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कर्नाटका के तुमकुरु में सेटअप किया है। ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया कि इस फैसिलिटी को देश की सभी हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में प्लान किया गया है, जिससे भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इस फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये फैसिलिटी 615 एकड़ के एरिया में फैली हुई है, जिसमें शुरुआती फेज में स्वदेशी 3 टन क्लास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, जो अब एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा फैक्ट्री में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन भी किया जाएगा। इसके साथ साथ फैसिलिटी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स और सिविलियन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का काम भी किया जाएगा। HAL आने वाले 20 सालों में 3 से 15 टन की रेंज के 1000 से भी अधिक हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन करना चाहती है, जिसका टोटल बिजनेस 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक होने वाला है। शुरुआत में जो 30 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसे फेसेस में बढ़ाकर 60 से 90 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर तक इनहेंस करने का भी प्लान बनाया गया है, और आने वाले समय में इस फैसिलिटी से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट करने का भी प्लान है। इसके अलावा बेंगलुरु में HAL की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के साथ प्रॉक्सिमिटी होने से रीजन में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।